अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध नहीं हटाएगा। अमेरिका का कहना है कि ईरान परमाणु समझौते को फिर से लागू करने के लिए ईरान पर वार्ता का दबाव बनाए रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। CBS न्यूज के लिए शुक्रवार को रिकॉर्ड किए गए एक इंटरव्यू में बाइडेन से पूछा गया था कि क्या अमेरिका ईरान को वार्ता के लिए तैयार करने के लिए प्रतिबंध हटा देगा। इसके जवाब में राष्ट्रपति ने कहा नहीं। जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान को यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा तो इसके जवाब में उन्होंने गर्दन हिलाई। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि वो क्या कहना चाह रहे थे। साल 2015 में हुए परमाणु समझौते के तहत ईरान को सीमित मात्रा में यूरेनियम संवर्धन की अनुमति है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2018 में अमेरिका को ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से बाहर कर लिया था। बाइडेन का कहना है कि वो ईरान समझौते को फिर से लागू करेंगे। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई ने रविवार को कहा कि ईरान अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर तभी वापस लौटेगा जब उससे प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। ईरान और विश्व के 6 ताकतवर देशों के बीच साल 2015 में परमाणु समझौता हुआ था, जिसके तहत ईरान के यूरेनियम संवर्धन पर सख्त पाबंदियां लगा दी गई थी। इन पाबंदियों ने ईरान के लिए परमाणु हथियार विकसित करना मुश्किल कर दिया है।